ये गलत है, इस तरह के व्यवधान पैदा करना गलत है। नहीं, कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जाएगा, न प्रोसीडिंग का हिस्सा बनेगा। नहीं, गलत है, अपनी विरासत को इस तरह से अवहेलना करना ये अशोभनीय है, और ये मानसिकता कहने के हैं राष्ट्र के हित में नहीं है, इस तरह की मानसिकता उचित नहीं है। नहीं, बहुत गलत है, ये मानसिकता कभी राष्ट्र के लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं, गलत है, सदन स्थगित की जाती है। बस पड़ाव बीच बाजार में अवस्थित है, जिसके कारण आम जनता को जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। निवेदन करती हूं कि उक्त बस पड़ाव का स्थल हटाने की मांग सदन से करती हूं। श्री मनोज मंजिल। में 3,01,413 पद रिक्त होने के बावजूद सरकार बहाली नहीं कर रही है। बिहार से सबसे ज्यादा नौजवान रेलवे की नौकरी में जाते हैं, इसलिए राज्य सरकार रेलवे में नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार से पहल करे। श्री इजहारुल हुसैन। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में मुख्यमंत्री अक्षर योजना अंतर्गत लगभग 30,000 शिक्षा सेवक एवं तालमी मरकज कर्मी अस्थायी रूप से कार्यरत हैं, तथा इनका मानसिक मानदेय मात्र 11,000 रुपये है, जो पारिवारिक जीवन यापन हेतु पर्याप्त नहीं है। अतः मैं कर्मियों का को स्थायी तथा सम्मानजनक मानदेय देने की मांग सरकार से करता हूं। श्री भरतबिंद। कैमूर जिला अंतर्गत भगुआ प्रखंड के मरचांव गांव में कुनकुनहिया नदी के पानी के बहाव से भारी कटाव हो रहा है। वहाँ के लोगों को बराबर भय बना रहता है कि नदी के कटाव से कभी भी घर नदी में बह न जाए, अतः सरकार से नदी द्वारा कटाव को शीघ्र रोकने की मांग करता हूँ। श्री सुनील मणि तिवारी। राज्य में संविदा के आधार पर ग्राम कचहरी सचिव की नियुक्ति किया गया था एवं उनकी मानदेय 2,000 रुपये थी। वर्ष 2014 में उसे बढ़ाकर 6,000 रुपया की गई, परंतु इतनी महंगाई मात्र में 6,000 रुपया में उनका भरण पोषण नहीं हो पाता है। अतः मैं सरकार से उनकी अस्थायी नियुक्ति करने और मानदेय बढ़ाने का मांग करता हूं। श्रीमती रेखा देवी। अध्यक्ष महोदय, न्यू फैमिली टाइप 2 क्वार्टर नंबर 2 में संवेदक एवं विभागीय पदाधिकारी द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है, जिससे आवासन योग्य नहीं है। पदाधिकारी टाल मटोल करते हैं, अविलंब उक्त आवास की मरम्मती कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं। श्री पवन कुमार जसवाल। अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत चिरैया प्रखंड के ललबेगिया निवासी सहशिक्षक रामविनय सहनी की निर्मम हत्या दीन दहाड़े अपराधियों द्वारा कर दी गई। मैं राज्य सरकार से घटना की निष्पक्ष जांच तथा पीड़ित परिजनों को सुरक्षा देने एवं 20,00,000 रुपये मुआवजा तथा दोषी की गिरफ्तारी की मांग करता हूं। डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम। माननीय अध्यक्ष महोदय, बांका जिला के कटोरिया प्रखंड में स्थापित SP यादव कॉलेज कटोरिया को कला संकाय के स्थायी संबंधन हेतु तिलका मांझे विश्वविद्यालय भागलपुर के अनुशंसा के आलोक में शिक्षा विभाग बिहार सरकार से स्थायी संबंधन आदेश निर्गत करने की विभाग से मांग करती हूं। श्री प्रणव कुमार। प्रखंड अंतर्गत शंकरपुर पंचायत स्थित मध्य विद्यालय नवादा शंकरपुर का अपना भवन खंडहर हो जाने के कारण दूसरे विद्यालय में वो अस्थायी रूप से चल रहा है, अतः सदन के माध्यम से सरकार से उक्त विद्यालय का भवन बनाने की मांग करता हूं। विद्यासागर केसरी। अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अंतर्गत फारबिसगंज विधानसभा में नवाड़ योजना के तहत 35 ऐसे पुल जिसके दोनों ओर विगत 4 वर्षों से पक्की सड़क का निर्माण हो चुका है, जिसका DPR विभाग को समर्पित है,
यथा परमान नदी का खमकोल घाट, दहरा घाट, अड़राह पंचायत के गरैया नदी के राजदेव टोला घाट आदि पर विभाग द्वारा समर्पित पुलों के डीपीआर की स्वीकृति एवं निर्माण की मांग सदन से करता हूं। श्री सऊद आलम। बोलिए। श्री महानंद सिंह। शांति से बैठिए। सड़क दुर्घटना में नहीं, ये महानंद सिंह पढ़िए अपना सुनकाल। ये गलत है, इस तरह के व्यवधान पैदा करना गलत है। नहीं, कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जाएगा, न प्रोसीडिंग का हिस्सा बनेगा। नहीं, गलत है। अपनी विरासत को इस तरह से अवहेलना करना ये अशोभनीय है, और ये मानसिकता कहने कहें राष्ट्र के हित में नहीं है। इस तरह की मानसिकता उचित नहीं है। नहीं, बहुत गलत है। ये मानसिकता कभी राष्ट्र के लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। गलत है। सदन स्थगित की जाती है 2 बजे दिन तक के लिए।